सुकमा जिले के कोंटा ब्लॉक के मूला किसोली गांव में हुंगर राम मरकाम पहुंचे और ग्रामीणों से मिले। इस दौरान ग्रामीणों का कहना है कि बिना ग्राम सभा के ग्रेनाइट खदान को बेच दिया गया। दुनिया की बेहतरीन ग्रेनाइट खदान जो कि इस गांव मूला किसोली में है, उसका ई टेंडर होने जा रहा है। वनाधिकार कानून 2006 के मुताबिक ग्राम सभा में अनुमति लेना जरूरी होता है। यह प्रक्रिया नहीं की गई है, बल्कि फर्जी तरीके से 8-9 व्यक्तियों का दस्तखत कराकर उस कागज के आधार पर सरकार ने अपने विभाग स्टेट माइनिंग को लीज पे दे दिया है और नीलामी होने को है। गांव के लोग विरोध कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं देने की बात कह रहे हैं। हुंगाराम ने भरोसा देते हुए लोगों से कहा है कि मैं आपके साथ हूँ, जहाँ भी लड़ाई के लिए जाना होगा मैं आपके साथ आऊँगा। फर्जी तरीके से हो रहे लीज का खुलासा किया जाएगा। उस पहाड़ के ऊपर कामिन कुंडा माता का मंदिर है, जो कि पूर्वजों से वहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है। कोंटा से शंकर कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। हम लोग अभी मूला किसोली ग्राम पंचायत में मौजूद है, जो आजकल फर्जी तरीके से यहाँ पर गोंड कंजीस को यहाँ का शासन प्रशासन बेचना चाहता है। हम लोग आने के बाद यहाँ गांव में सभी माताएं, बहनें, नौजवान, यहाँ के सरपंच, पटेल, पुजारी, पंच जो भी है, सबसे चर्चा करने के बाद पता चला कि कभी इसके पहले ग्राम सभा हुआ ही नहीं है। और जो भी ऊपर में पता चल रहा है कि ये ग्राम सभा किया गया गोंड कनिष्क को देने के लिए समर्थन किए हैं गांव वाले, ये सब फर्जी है। मैं विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं गांव वालों के साथ हूँ। गांव वाले इसके लिए जहाँ तक विरोध करना का करने के लिए जाएंगे, वो सब सुकमा मुख्यालय की बात हो, कोंटा में हो, चाहे हाईवे में, जहाँ भी जाएंगे मैं उनके साथ धरना में, रैली में, इसके विरोध के लिए जहाँ तक जाना हो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। ये बिल्कुल गलत है। वर्तमान की सरकार, राज्य सरकार जो है, इसी टाइप का काम मन कर रहे हैं। सब फर्जी तरीका से, सिर्फ लोगों का सुनता नहीं है, नीचे स्तर का किसी को सुनना नहीं है, सिर्फ डराना, धमकाना, सिर्फ ये फर्जी तरीके से सिर्फ अधिकारियों को अपना ये जेब में लेकर, जो ऑफिस में सिर्फ ऑफिस तक ही कागज बना के स्वीकृति करने का काम कर रहा है, ये बिल्कुल गलत है। हम इसके लिए पुरजोर विरोध करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राम सभा के तहत में किए थे, लेकिन पंचायत में अभी तक कोई ग्राम सभा नहीं हुआ। जो भी कार्रवाई हुआ है वो फर्जी से हुआ है। अगर फर्जी से हुआ है तो भी कोई गांव वाले अनुमति नहीं दिया गया है माइनिंग के बारे में। खास करके अभी तक के तो गांव में माइनिंग के बारे में इतने सारे बातें निकल गई है, बड़े बड़े ऑफिस मन में अच्छे अच्छे माइनिंग के लिए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किए हैं पंचायत में। इसके लिए हम लोग सहमति नहीं है गाँव वाले। जो भी कार्रवाई हुआ है फर्जी से किया जा रहा है, पंचायत के माध्यम से, सचिव के माध्यम से, जो भी फर्जी किया जा रहा है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम स्वयं करना है। आज तक जो यहाँ ग्राम सभा नहीं हुआ है और पंचायत में कभी गांव के सदस्य तक का कभी सम्मिलित होके कभी डिसाइड ही नहीं किया गया है। और गांव के मुख्य जो हैं, जो बड़े बड़े हैं, सरपंच है, पटेल है, वार्ड है, उनको यहाँ तक का नहीं पता कि तो किस टाइप के क्षेत्र में कभी माइनिंग के लेके नहीं बिठाया गया है मीटिंग। और कोई बुजुर्ग गांव वाले हैं उसको भी कभी पूछे नहीं हैं, और बिना बगैर ऐसी जो सरकार तक का मुद्दे को आगे ले जा रहे हैं, जो माइनिंग यहाँ पे खोला जाएगा बोल के। तो यही है जो मेरे कहने का मतलब है कि ग्राम सभा में निर्णय नहीं लिया गया। स्वयं रवि है।